काम काम तैयार है डॉक्टर सासी के लिए? जी भाई मैं तैयार जी। तो हमारा ऑटो रेडी हो चुका है, अब हमें देने जा रहे हैं और फिर ऑटो लेके आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मशहूर ज़ाहिर। तो आज दोस्तों संडे का दिन है, तो आज हमें ऑफिस से भी छुट्टी है, तो आज हमने सोचा व्लॉग बना लिया जाए। पहले 3-4 दिन व्लॉग इसलिए नहीं आया, सब वो लोग पूछ रहे थे कि भैया आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो मैं आपको रीज़न बताता चलूँ कि हमसाए में एक डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा व्लॉग बनाना, क्योंकि एक जो जवान मौत होती है वो बहुत दुख देती है। एक बंदा आपके सामने सही सलामत चल फिर रहा हो तो अचानक वो बीमार हो और डेथ हो जाए, वो तो बहुत दुख देती है। तो इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई, मुनासिब नहीं समझा वीडियो बनाऊं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज 5-6 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें आज व्लॉग बनाते हैं अपना और कैरी ऑन करते हैं आगे। तो क्योंकि जैसे आपके रिश्तेदारों का हक है, वैसे आपके हमसायों का भी उतना ही हक होता है, वो भी उतने ही शरीक होते हैं आपके दुख दर्द में, खुशी गमी में। तो इसलिए मैंने फिर स्टे लिया था वीडियो के लिए, ठीक है। परेशान नहीं होना, अब रोज़ कुछ ना कुछ हम डालते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, ताकि यूट्यूब पे रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करके इसके साथ कनेक्ट रह जाए। तो आज चलते हैं, फिर मैं अभी सो के उठाऊँ, नाश्ता करना है, फिर चलते हैं सैलून पे, वहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग करवाते हैं बालों की और खत छत की। तो फिर उसके बाद जो भी हमारी डेली रूटीन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी, आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ एंड तक रहिएगा और व्लॉग एंड तक देखिएगा जी। तो दोस्तों ये हम नाश्ता करने लगे हैं और हमारा पराठा आ गया गोभी वाला, साल में दही है और लस्सी है। तो ये हम नाश्ता करके फिर जाते हैं सैलून पे, वहाँ पे खाचा करवा के मिलते हैं बाद में आपको जी। तो हम जाने लगे हैं सैलून पे और वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं, खाचा करवाते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं। तो आए चलते हैं फिर। फाइनली हम कटिंग वटिंग करा के खर्चा करवा के आ गए हैं, अब नहाने लगे हैं, कपड़े पहनने लगे हैं, फिर आपको मिलते हैं तैयार हो के। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और नहा धो के कपड़े शपड़े पहन लिए और हम तैयारी करने लगे हैं कि इस्लामाबाद चलते हैं और जो हमारी पार्टी रहती है दोस्त को और सहन को देनी है डॉक्टर सोसी की, वो ज़रा खा पी हैं। आपको पता है कि ज़रा आज छुट्टी है तो ज़रा घूम फिर लिया जाए। मैं तो तैयार हो चुका हूँ, तो ये अब दाऊ साहब हैं जी, तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। दाऊ जी बस होने लगा, 12 मिनट मार के तैयार हो फिर निकलें और कोई खा पी आए, ज़रा पेट पूजा कराएं फिर, ठीक है। जल्दी तैयार हो जाओ, तो मिलते हैं फिर आपको रास्ते में और दिखाते हैं जी। इधर हमारे जान भाई शादी की मूवी ले आए हैं और ये कमरे में एंट्री करने लगे हैं। ये देखे बाल, इनके बाल देखे हैं, रात को पार्ट टाइम मांगता होता था। ये देखे कुड़िया नाल भी ज्यादा बाल है, है कि नहीं सिल्की गाइस? गाइस तुम्हें कहते असली वेल हो, इतनी खुशकी है ना, छाड़ी गला लो। ये बकवास भाई, मूवी की कैमरा क्लोज करे फिर देख दिखाया आपको, देख ये देख देखें मूवी सही है। मैं आप नहीं देखिए मूवी, अब देखते हैं तो फिर देंगे हम अपने रिव्यू के कैसी है कैसी नहीं है। ਇਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਆ ਗੱਲ ਵੇਖੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਉਹ ਸਿਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ जी। तो मैं जा रहे हैं गुलामाबाद, वहाँ से हुसैन भाई को साथ लेना है और दाऊद भाई हमारे साथ हैं, वहाँ से लेके फिर हम चलते हैं डॉक्टर सोसी और
आज इनको हम पार्टी खिला के आज फ्री हो जाएंगे, तो आए उधर जाके मिलते हैं। ये तो हम हुसैन भाई के घर आ चुके हैं और ये मिलते हैं हरम से। हरम क्या हाल है, ठीक हो? सब ठीक? शर्मा क्यों रही हो? और आइए आपको हसन से मिला दे। हसन साहेब क्या हाल है, ठीक हो? सब बच्चे ठीक हैं आपके? ठीक है। और अब मिलाते हैं हुसैन साहेब से। जी हुसैन साहेब क्या हाल चाल है, ठीक है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप और सुनाए, काम शाम तैयार है डॉक्टर साहब के लिए? जी भाई मैं तैयार हूँ पैसे खर्च करने के लिए। आप खाने के लिए तैयार हैं? इन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर आपके 450 से ऊपर आए तो मैं आपको डॉक्टर सोची। तो इन्होंने भाई ने पूरा एक नंबर ऊपर लिया है और डॉक्टर सोची जीत लिया है। वादा पूरा करने तो मैं अब पहुंच गया हूँ, इनको डॉक्टर सोची खिलाना है इनको। तो अभी हम शादी की मूवी आई थी वो देख रहे थे, और ये सरबाला है इधर, ये देख लें जी। जो आपको उधर वीडियो में नज़र आया होगा ये रियल में देख लें। तो वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है, हम आधी छोड़ के आ गए। हमने कहा जी चलते हैं उधर, फिर आगे देखेंगे बाद में जो भी देखना है वो। तैयार हो अभी? चलिए जी। बच्चे हमारे इतने फैन हैं ये दोनों, ये देखें नंबर अच्छे आते हैं तो मैं आज भी डॉक्टर सोसी खिलाऊंगा। ये भी लोग देख रहे हैं आज के डेट में, तो ये हरने बिल्ली भी पाली हुई है देखते हैं। वाह वाह वाह। तो ये देखें जी हमारे बच्चे कह रहे हैं जी गली में और भी फैन है। कितने एक फैन है? पूरी गली आपके फैन है जी। इधर बता रहे हैं कि हमारे फैन भी हैं, तो अभी हम उनसे मिलने भी जाएंगे, अगर मिले तो आपको दिखाएंगे वहाँ पर। ठीक है ऑर्डर देने जा रहे हैं बर्गर का। नाल जी हरम आई हुई है, ये देखे खाने। हरम इधर देख, हुसैन भाई और ये हमारा जी बटन है मिला जो हमें, और ये अभी जब रिंग करेगा तो फिर हमारा ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हम स्टिल अपना वेट कर रहे हैं इधर ऑर्डर का, ऑर्डर अभी तक आ नहीं रहा। और हम देखें क्या कहते जी, हम क्या कहोगी, क्या कह रही हो? इंतज़ार नहीं हो रहा, ये कह रही मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी ले आए। तो अभी आ जाता है, थोड़ा सा वेट कर लो। इस बटन को, ये बटन अभी बच जाएगा और फिर हम ऑर्डर ले आएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है इधर, और हम बहुत बेताब थे इसको खाने के लिए। ये देखें हरम का स्टाइल मार रही है कितने। हरम आ गया, क्या कहोगी? अब जल्दी जल्दी ये खाना शुरू कर दो बस, सही है? ये हम खाने लगे हैं और दौलत भाई और ये हिसार भाई बहुत बेताब हैं। हम खाते हैं फिर आपको बताते हैं कितना मज़ा आता है हमारा। फिर तो हम खाने लगे हैं और आपको खा के बताते हैं क्या इसका डिश। आउटस्टैंडिंग का लेवल का टेस्ट है जी ये हमारे। इधर बच्चे भी शुरू हो गए हैं इधर खाना। ये हरम से खाया नहीं ये देखें, ये देखें कैसे खा रही है हरम। खाया नहीं जा रहा है किसी ने, देखें इसका मुंह, इसका मुंह देखें।
ये हुसैन भाई मजेदार फसले मारा फोन खराब कर दिया कैच भी आ गए ये हरम का पेड़ भी फुल हो गया हरम क्या कहोगी बस क्या अब मैं खाऊं ये मेरे बाल का है मैं ये हिसान साहब इनका पेड़ नहीं भर रहा बाकियों का भर गया मेरा भी भर गया हरम भी हरम भर गया ना तेरा चलो चलें घर एंड कर दिया जी खा गए हमने बहुत मजा आया जी तो भाई क्या कहोगे हुसैन भाई क्या कहोगे मैं भी यही कहूँगा कि बहुत मजा आया था थैंक यू नहीं करना बहुत बहुत थैंक यू आपका पैसे ना लेना बस मुझे पैसे तो फिर लेने हैं ना क्योंकि खिलाया जो है आपसे तो पैसे लेने पड़ते हैं आपसे ट्रीट लेनी थी आपने तो भाई ट्रीट दे दी है लेकिन पैसे तो आपने देने देने आपको बाइक बाइक पर ले गया है इसको लेके भी आया और खिला भी दिया और कह रहा मैंने पैसे नहीं देने क्या पानी अब घर जाके पीते हैं पैसों का मिलना है यार घर जाने लगे हैं तो जी दोस्त भाई मज़ा आया आपको आपको मज़ा आया हुसैन भाई जट आपको जी बहुत मज़ा आया इधर खा के हमें अरे हम क्या कहोगी टेस्टी था जी डॉक्टर सोसी से हमने खा लिया अब वापस चलते हैं घर और घर जाके दिखाते हैं दोस्त भाई को चाहना किधर है दुकान इधर आई है जी वो शर्टें देख रहे हैं रुक गए हैं अब शर्टें पसंद कर रहे हैं देख दो देखते हैं कौन सी पसंद आती है इन्हें आपने भी को लेनी चलो जी पसंद करो फिर और देखते हैं क्या लेते हैं फिर गोलगप्पे खाने हैं चटने खिलाने और फिर वहाँ पे मिलते हैं आप ये देखिए हम इनसे पहले पिछड़ गए थे आपको ये हमें मिल गए हैं ये मदनी हम खो गए थे ये पता नहीं किधर गए थे तो ये देखिए देखिए गोल कप्पे खा रहे हैं ये देखिए हम इनका इंतजार कर रहे हैं ये पता नहीं कहाँ पे घूमे चेरी बोल रहे थे हम घूमोगे इधर करे इधर 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 ये देखिए इसको पहचाने कौन पहचाने कौन नजर आ रहा है जी तो हम पहुंचे अब गोल गप्पे खाने और ये भाई तीन गुम हो गए थे और हम इन्होंने फिर ढूंढ ही लिया फिर हम आगे इधर खाने लगे थे हमने कहा कि चलते हैं हम तो किधर गए थे हम सीधे आ गए थे आप पता नहीं किधर गए हैं ये सर होने लग गया था बहुत और ये रोना स्टार्ट कर दिया था लड़की है ना थोड़ी थोड़ी सर रोना स्टार्ट कर दिया बहुत अफसोस हुआ जी इसने रोना शुरू कर दिया था और ये एक चीज़ देखें ये कौन सी चीज़ है हाय कर दो हाय ये चीज देखें ये गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं फिर दिखाते हैं आपको जी तो हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं अब ये देखें कैसे टूटे हैं गोलगप्पों पे बर्गर से कुछ नहीं बनना था बर्गर से कुछ नहीं बनना था और ये हमने रात नहीं खाने थे क्योंकि ये एक लगा हुआ है मुंह में पानी आ रहा है खा के बताते हैं आपको लेवल में आज स्वाद की दो जी फिर हम खा लेंगे ना वो ये ख़त्म करते हैं और हमारी बारी ना आए जी तो हम अब अपने घर वापस जाने लगे हैं तो हुसैन भाई से मिलते हैं ठीक है हुसैन भाई आपकी ट्रीट का बहुत बहुत शुक्रिया जी जी अल्लाह आपको तफीक दे के आप भी हमें आके इस तरह की ट्रीट और कैसी रही ट्रीट मज़ा आया आपको जी तो ये हुसैन भाई बहुत कह रहे हैं मज़ा आया हमें और साथ हमारे जट साहब भी थे ठीक है जट साहब मज़ा आया तो बहुत कल फेर भी अगर चक्कर ना होगा ठीक है ठीक है जी घर जाके मिल लेना
फाइनली वी आर एट होम और आज का हमारा जो टारगेट था कि दाऊद भाई और हुसैन भाई को ट्रीट देनी है वो हमने दे दी है और आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। अगर किसी को पसंद आया हो तो लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।